राधे कृष्ण दोस्तों, मेरे इस चैनल डिवाइन दृष्टि में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी में ईश्वर ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें एक और गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि सांसारिक गुरु होते हैं, और ये गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं जिससे कि हम ईश्वर तक पहुंच सकें। इस दुनिया में आए हैं तो अच्छे अच्छे कर्म कर सकें, इसके लिए हमें एक गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। अब फ्रेंड्स, सोचने वाली बात ये है कि यदि हमने किसी गुरु का सहारा लिया तो हमें कैसे पता लगे कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे विचारों में परिवर्तन आना शुरू होता है। हमारे जो विचार शुद्ध होने शुरू होते हैं, निर्मल होने लग जाते हैं, हम अच्छा अच्छा सोचने लगते हैं, हम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हमारे विचार बदलने लग जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि किसी का कैसे भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब कैसे सुखी हों, सब कैसे अच्छे से रहना, मिलजुल कर रहें। और जो विचार, गंदे विचार आने बंद हो जाते हैं, हमारे अंदर एक निर्मलता आने लग जाती है, एक सौम्यता आने लग जाती है, और दोस्तों हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल बदल जाता है। हम किसी से भी ज़ोर से बात करना, चिल्ला के बात करना सब कुछ बंद कर देते हैं, हमारे व्यवहार में सौम्यता आने लगती है। धीरे 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 हम सबसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, अच्छे से बातचीत करने लगते हैं, हम किसी से भी कोई तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। दोस्तों, ये जो चेंजेस हैं, ये ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जो हमारे अंदर आने लगते हैं जब हम एक गुरु के सानिध्य में आते हैं। आपको पता है दोस्तों, ये जो हमारे अंदर चेंज आ रहे हैं धीरे धीरे, जो विचारों में, व्यवहार में, ये चेंजेस हमें धीरे धीरे इतना सॉफ्ट, इतना सोबर, इतना निर्मल बना देते हैं कि हम पिघले हुए सोने की तरह हो जाते हैं। हम तपे हुए कुंदन पिघले हुए सोने की तरह हो जाते हैं। जिस तरह झरने का पानी नदी में मिलकर और सागर में मिल जाता है, उसी तरीके से हमारा व्यवहार हो जाता है, उसी तरीके से हमारे विचार हो जाते हैं, और वैसे ही हम कुंदन, पिघले हुए कुंदन की तरह हो जाते हैं जो गुरु के सानिध्य से आगे बढ़ते हैं और ईश्वर में समा जाते हैं। यही हमारे ज़िंदगी का जो एक एम हम जो लेकर चलते हैं कि इस संसार में आए हैं, ये नश्वर संसार है, और हम यदि दोबारा से जन्म नहीं लेना चाहते हैं तो हम अपने आप को इन सब बातों के तरफ ध्यान दें, गुरु के बताए हुए विचारों पर चलें, उनसे वैचारिक सामान्यता रखकर और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम एकदम निर्मल, सौम्य, शांत, पिघले हुए सोने की तरह ईश्वर मिल जाएंगे, हमारे मनमोहन में जाकर मिल जाएंगे। यही हमारे जीवन का ध्येय है दोस्तों। इसी ध्येय के साथ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा।